दिया माँ तू है। 12 अगस्त 1997। अपनी रूटीन हैबिट के चलते एक आदमी सुबह 10:10 पर जुहू के एक मंदिर में अपनी पूजा करने जाता है और आधे घंटे बाद वापस आता है। मंदिर के बाहर ही उसका ड्राइवर गाड़ी के पास उसका इंतजार कर रहा था। उस आदमी के लिए वो दिन मुंबई के किसी आम दिन से कम नहीं था, पर अगले कुछ ही समय में ये कहानी डरावना मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि वो आदमी जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है तब 3 लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। बहुत पाठ पूजा कर लिया, अब बाकी की पूजा ऊपर जाकर करना। उन 3ों में से एक लंबे बाल वाला आदमी उसे ये कहता है और कहते ही अपनी कमीज की पॉकेट से पिस्टल निकाल कर उसे फायर कर देता है। उस आदमी का ड्राइवर दौड़ा हुआ उसके पास आता है बचाने के लिए, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि अब वो बाकी 2 लोग भी गोलियां बरसाना शुरू कर चुके थे। गोलीबारी में ड्राइवर घायल हुआ और उस आदमी के बदन को 16 गोलियों से भून दिया गया। मर्डर करने के तुरंत बाद वो 3 लोग एक टैक्सी को रुकाकर उस ड्राइवर को बंदूक की नोक पे टैक्सी से बाहर निकाल फेंकते हैं और उसकी टैक्सी चुराकर फरार हो जाते हैं। ये आदमी जिसे बेरहमी से 16 गोलियों से मारा गया वो और कोई नहीं बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने वाला टी सीरीज का फाउंडर गुलशन कुमार था। आज 29 सालों बाद इस क्राइम का मेन ऑर्गेनाइजर जेल की सलाखों के पीछे है, पर किसी और क्राइम के लिए, क्योंकि इस क्राइम के लिए उसे आज तक कोई सजा नहीं मिली। यह आदमी है अबू सलीम, डी कंपनी का वो डिलीवरी मैन जिस पर 70 से भी ज्यादा क्राइम्स का इल्जाम है, पर आज जेल में सिर्फ 8 केसेस के लिए, और कुछ ही सालों में हम सबके बीच होगा क्योंकि उसकी सजा जल्द ही खत्म होने वाली है, वो सजा जो उसके लिए सजा कभी थी ही नहीं। आजमगढ़ के एक लॉयर के घर पैदा होने वाला अबू सलीम अपने पिता की मौत के बाद काम ढूंढने की तलाश में मुंबई आया। रोड एक्सीडेंट में उसके पिता की मौत हो चुकी थी और अपनी माँ और बहनों की जिम्मेदारी के लिए उसने अपना घर छोड़ा। दिल्ली से होते हुए और जॉब्स करता हुआ अबू सलीम अब मुंबई पहुंच चुका था। मुंबई में आकर वो एक ब्रेड डिलीवरी बॉय बना। किसे पता था ये डिलीवरी बॉय किसी एक दिन पूरे शहर की मौत का सामान डिलीवर करने वाला था, क्योंकि कई ऐसी जॉब स्विच करने के बाद धीरे धीरे उसकी दोस्ती हुई अनीस इब्राहिम कास्कर से, दाऊद इब्राहिम का भाई। उसी के अंडर अबू सलीम स्मगलिंग के काम में घुसा। वो उनके इलीगल गुड जैसे डीवीडी प्लेयर्स, वॉचेस, गोल्ड बिस्किट, एल्कोहल वगैरह स्मगल किया करता था। स्लोली ही स्टार्टेड टू राइज टू रैंक्स और उसका नाम अबू समान के नाम से फेमस होने लगा था, क्योंकि वो मुंबई के स्मगलिंग का एक मेजर पार्ट बन चुका था। 12th मार्च 1993 की वो सुबह मुंबई शहर के लिए किसी आम सुबह से कम नहीं थी। लोग अपने घरों से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने, अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम करने निकले, पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। दोपहर 1:30 बजे से 4:15 बजे तक मुंबई शहर में 12 जगहों पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए। 250 से भी ज्यादा लोग अलग झपकते ही राख हो गए, 700 से भी ज्यादा लोग घायल हुए, करोड़ों की पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ और उसके बाद शुरू हुए रिलीजियस दंगों ने इस आग में पेट्रोल छिड़क दिया। उस साल 1993 में जो बॉम्ब ब्लास्ट दाऊद ने करवाए उसमें यूज हुए एक्सप्लोजिव को इलीगली स्मगल करने और ट्रांसपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अबू सलीम की थी। जो एक्सप्लोजिव उसने स्मगल किए उससे पूरे मुंबई शहर पर एक गहरा घाव लग गया था। 1993 के बाद जब दाऊद और उसकी डी कंपनी काफी हद तक मुंबई से दुबई भाग चुके थे, तब तक अबू सलीम दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम से काफी करीब आ चुका था, इसीलिए उसे मुंबई में दाऊद के एक्सटॉर्शन बिजनेस को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। कहते हैं अबू सलीम बॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था। अपने आप को एक फिल्मी अंदाज में कैरी करना, एक रोमांटिक चॉकलेट बॉय और एक पावरफुल डॉन, अबू सलीम अपनी नजर में दोनों था, इसलिए उसने अपना नाम कैप्टन रखा था। पर उसकी क्राइम की लिस्ट में और कई लोग शामिल थे। अबू सलीम ने अभी कई एक्टर्स और प्रोड्यूसर को धमकाया, जिनमें से आमिर खान, राकेश रोशन, सुभाष गई और गुलशन कुमार। कुछ सोर्सेस का मानना है कि गुलशन कुमार अबू सलीम को ऑलरेडी एक बार एक्सटॉर्शन मनी के 10 लाख रुपए दे चुके थे और अब दूसरी बार उन्हें एक्सटॉर्ट किया जा रहा था, लेकिन इस बार उन्होंने मना किया। अपने आप को पावरफुल डॉन कैप्टन समझने वाला अबू सलीम की मांग को जब गुलशन कुमार ने इनकार कर दिया, तब अबू सलीम अपने ईगो में इतना डूब गया कि उसने अपने शूटर्स को उससे मारने भेजा। उसने अपने शूटर्स को कहा कि वो उसे पूरा टाइम फोन कॉल पर रखे ताकि वो गुलशन कुमार को तड़पता हुआ महसूस कर सके। वो गुलशन कुमार की मौत को महसूस करना चाहता था। वो चाहता था कि दर्द से तड़पते हुए गुलशन कुमार की आंख
आखिरी चीखे सुन सके। वो चाहता था कि जिस इंसान ने उसकी बात नहीं मानी उसे उसका अंजाम आखिरी सांस तक रियलाइज कराया जाए। गुलशन कुमार के मरने के बाद उनकी 13वीं पर उसने उसकी बीवी को कॉल किया, हंसते हुए कहा कि अगर गुलशन कुमार पैसे दे देता तो आज जिंदा होता। उसने कॉल पर गुलशन कुमार की मौत को पूरी तरह डिस्क्राइब किया, उनकी मौत के पहले तड़पती हुई उनकी सांसें, सब कुछ। मरने के बाद भी वो गुलशन कुमार को टॉर्चर करना चाहता था। 8 सितंबर को उन्हें अबू सलीम की तरफ से धमकी भरा फोन कॉल आता है और उसके 4 दिन बाद सितंबर 12 को गुलशन कुमार का बेरहमी से खून कर दिया जाता है। कहते हैं गुलशन कुमार की मौत के पीछे और भी कई राज छुपे हुए हैं। अगर आप इस पर एक वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। गुलशन कुमार का मर्डर करके अबू सलीम ने दाऊद से डायरेक्ट पंगा लिया था। तक दाऊद के लिए अबू सलीम इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, पर अब दाऊद खुद उसे मारना चाहता था। इस वजह से अबू सलीम इंडिया छोड़कर दुबई भाग गया। डी कंपनी से बॉलीवुड फाइनेंस और एक्सटॉर्शन की तरकीबें सीखे उसने अलग होकर अपना गैंग बनाया। 2001 में उसकी गैंग ने एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के पर्सनल असिस्टेंट अजीत दीवानी को शूट करके उसका मर्डर कर दिया। कहा जाता है कि उसके अगले टारगेट में आशुतोष गोवेकर, आमिर खान, राकेश रोशन जैसे कई और जाने माने लोगों के नाम थे। पर इससे पहले कि इन क्राइम्स को वो अंजाम दे पाता, अबू सलीम के 2 शूटर्स को बांद्रा में पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। अबू सलीम ने अपने क्राइम्स को अंजाम देने के लिए एक नई तरकीब ढूंढने निकाली थी। उसकी गैंग में कोई भी बम्बई का रेगुलर शूटर नहीं होता था। वो अपने गांव आजमगढ़ से शूटर्स को हायर करता, एक दिन के लिए वो बम्बई आते और अपना काम करके अपनी पेमेंट लेकर वो अगले ही दिन फरार हो जाते। बॉम्बे पुलिस के पास बॉम्बे के शूटर्स की तो खबर होती, पर ये अनजान शूटर्स कब आते, कब चले जाते, किसी को भनक ही नहीं लगती। वो एक कॉन मैन से कम नहीं था। वो अक्सर लोगों को कहता कि मैं दाऊद का ही आदमी हूँ, जबकि एक्चुअल में कहा जाता है कि वो दाऊद से कभी मिला भी नहीं था। द ओनली रीजन दाऊद डिडंट किल हिम वाज प्रॉब्ली बिकॉज ही वाजंट दैट बिग ऑफ अ थ्रेट। इसी के साथ वो काफी वायलेंट भी था। मुंबई आने के कुछ टाइम बाद उसे समीरा जुमानी नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। वो लड़की 17 साल की एक माइनर थी, फिर भी अबू सलीम उसे स्टॉक करता, उसके कॉलेज के बाहर जाके उसे छेड़ता और कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली और ये समीरा को बहुत भारी पड़ा। अबू सलीम ने जिस माइनर लड़की से प्यार के चलते इतना स्टॉक करने के बाद शादी की, वो उसी लड़की समीरा जुमानी को रेगुलरली मारा पीटा करता था। एक बार उसने उसे इतना पीटा कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जहां डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी और देर हो जाती तो उसकी जान भी जा सकती थी। कई सालों बाद एक इंटरव्यू में समीरा ने बताया कि अबू सलीम वाज अ वायलेंट एंड अ साइकोटिक मैन। दुबई भाग जाने के बाद किसी इवेंट में उसकी मुलाकात हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी से। उसने एक झूठा नाम बताकर उससे दोस्ती कर ली और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। समीरा की तरह मोनिका ये नहीं जानती थी कि जिससे वो प्यार कर बैठी है उसका असली चेहरा क्या है और वो उसके लिए कितनी बड़ी गलती साबित हो सकता है। एक दिन धोखे से अबू सलीम ने मोनिका को दुबई बुला लिया अपने पास। वहां जाकर उसे पता चलता है अबू सलीम की असली आइडेंटिटी क्या है और वो एक्चुअल में शादी है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब अबू सलीम के शूटर्स बांद्रा में मारे जा चुके थे। पुलिस अपनी पूरी जान लगाकर उसे ढूंढने में लगी हुई थी और अब अबू सलीम के साथ मोनिका बेदी का भी नाम जुड़ चुका था। पुलिस ने मोनिका के घरों में रेड्स मारी, उसकी फैमिली को पूछताछ करके अरेस्ट किया। आए दिन न्यूज चैनल्स पर मोनिका की फोटो दिखाई जाती थी एज क्रिमिनल को कॉन्स्पिरेटर। अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए और अरेस्ट से बचने के लिए शी हैड नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट हर लाइफ विद अ क्रिमिनल शी चोज टू फॉल इन लव विद। कहा जाता है कि पोर्चुगल में उन्होंने शादी भी कर ली थी और समीरा की तरह उनका भी कहना था कि अबू सलीम एक साइकोटिक और अब्यूजिव इंसान था। अमेरिका में 9/11 के बाद FBI बहुत अलर्ट हो गई थी। दे यूज टू कीप स्ट्रिक्ट आई ऑन सस्पिशियस फाइनेंशियल एक्टिविटीज और क्योंकि अबू सलीम स्मगलिंग करता था और फॉरेन में उसने अपने कई बिजनेसेस सेटअप कर रखे थे जिनसे पैसा फनल करता था, वो अब उनके रडार में आ चुका था। अगले ही साल 2002 में उन दोनों को पोर्चुगल में इंटरपोल ने अरेस्ट कर लिया। उन दोनों को फेक पासपोर्ट कैरी करने के जुर्म में जेल की सजा सुनाई गई। यहाँ से शुरू हुआ डिप्लोमेसी का वो गेम जिसने अबू सलीम जैसे शैतान को आज भी एक आरामदायक जिंदगी दी हुई है। पोर्चुगल के साथ इंडिया की कोई एक्सट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, ये बात अबू सलीम जानता था। इसीलिए उसने पोर्चुगल में रहने का डिसीजन लिया था कि अगर वो कभी पकड़ा जाए तो उसने जो भयानक जुर्म इंडिया में किए हैं उनकी सजा मिलने से वो बच जाए। और यही हुआ। पोर्चुगल अबू सलीम को इंडिया को हैंडओवर करने से मना कर रहा था। 3 साल के लंबे लीगल बैटल के बाद अबू सलीम इंडिया को हैंडओवर किया गया, पर कुछ शर्तों के साथ। पोर्चुगल के लीगल सिस्टम में किसी भी हालत में डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती और यही उनकी पहली शर्त थी।
जो अबू सलीम के फेवर में काम आई। पोर्चुगल की शर्तें थी कि उसे डेथ पेनल्टी किसी भी हालत में ना दी जाए और उसकी लाइफ सेंटेंस 25 सालों से ज्यादा ना हो। इसी के साथ ये कहा गया कि जो केसेस पोर्चुगल के कोर्ट में पेश किए गए हैं सिर्फ उन्हीं केसेस के लिए अबू सलीम को इंडियन कोर्ट में भी ट्राई किया जाएगा। और यही था अबू सलीम का सेविंग ग्रेस। उसके ऊपर 70 से भी ज्यादा केसेस थे, मर्डर, स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन और टेररिज्म के। लेकिन डिप्लोमेसी के चलते एक्सट्राडिशन गारंटी करवाने के लिए पोर्चुगल में पेश किए गए सिर्फ 8 केसेस। वो क्रिमिनल जिसने खुद 70 से भी ज्यादा लोगों का खून किया और 700 से भी ज्यादा लोगों की जिंदगियों को खतरा पहुंचाया, आज अपने पैसों की वजह से एक आरामदायक जिंदगी काट रहा है। अपने पैसों का यूज करके उसे जेल में कई सुविधाएं दी जाती हैं। He has hired top lawyers from Portugal who are regularly trying to get him out of before his term ends. In fact, इस बीच में उसने तीसरी शादी भी कर ली। कहा जाता है कि वो जेल में पार्टीज थ्रो करता है। एक साल में उसे हॉस्पिटल जाने के लिए जेल से बाहर लाया गया 42 times for no apparent reason. In fact, कहा जाता है उसने जेल में एक नौकर भी बना रखा है जो उसके सेल्फ को साफ करता है, बर्तन धोता है, चाय और खाना भी सर्व करता है। पोर्चुगल लॉ के तहत उसे सिर्फ 25 साल की सजा सुनाई जानी थी जिसमें से करीब 17 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं और अब कुछ ही सालों में अबू सलीम हम सबके बीच घूम रहा होगा। He'll be back on those same street जहां उसने अपने घिनौने क्राइम्स किए। वो उसी शहर में निर्दोष घूम रहा होगा जिस शहर को अंदर तक जख्मी किया गया उन भयानक बॉम्ब ब्लास्ट से जिन्हें ट्रांसपोर्ट उसने किया था। अबू सलीम की कहानी से ये सवाल उठता है कि समाज में कौन सी ऐसी लिमिट है जिन्हें पार किया जा सकता है पैसों का यूज करके। अबू सलीम के पास आज भी करोड़ों के एसेट्स है फॉरेन शहरों में जो आज उसकी एक्स वाइफ समीरा मैनेज कर रही है। एक शॉपिंग मॉल, कैसीनो, पेट्रोल पंप्स, बंगलो, स्पोर्ट्स कार, सब कुछ। इतने घिनौने क्राइम्स करने के बाद भी अबू सलीम जो सजा डिजर्व करता था उसे वो मिली ही नहीं। क्या अबू सलीम की पनिशमेंट जस्टिफाइड थी? क्या गुलशन कुमार को जस्टिस मिला? क्या मुंबई को जस्टिस मिला? आपके क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बिग ब्रेन पर हम इसी तरह धमाकेदार मसालेदार किस्से लेकर आते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन।